सऊदी अरब में जो बंदर नया आता है, आने के बाद वो अपना मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलाएगा। सलामुअलैकुम, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हो। आज का वीडियो में बताएंगे सऊदी अरब में कोई भी भाई नया आता है, आने के बाद वो अपना मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलाएगा। तो वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सऊदी अरब में जो बंदर नया आता है, आने के बाद वो अपना मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलाएगा। सऊदी अरब में नया आया हो, आने के बाद आपका कपिल के घर के आसपास ही आपको अगर रूम देता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर घर में वाईफाई रहता है। आप देख लीजिएगा, आपका मोबाइल में अगर वाईफाई का नेटवर्क आता है तो अपना कपिल से वाईफाई का नंबर मांग लीजिएगा, या तो अपना मैडम से वाईफाई का नंबर मांग लीजिएगा। अगर आपका कपिल के घर के आसपास में आपको रूम नहीं देता है, दूर में कहीं रूम देता है, तो आपको आपका फ़ोन में रिचार्ज करना पड़ेगा। आप शुरुआत में आते हो, अगर आपका आईडी में सिम निकलते हो तो अच्छा है, या आपका जो कपिल है अगर आपको कोई सिम देता है दूसरा किसी का नाम पे, हो सकता है आपसे पहले भी कोई बंदा आया था उसका नाम पे एक सिम है, वो सिम आपको दे देता है, तो वही नंबर में आप नेट चला सकते हो। लेकिन आपका आईडी जब बन जाए तो आपका आईडी में एक सिम जरूर ले लीजिएगा। आपका आईडी में सिम लेने में आपको फ़ायदा क्या है वो बताते हैं। सऊदी अरब में किसी को रहना है तो अफसर का अकाउंट बनाना ज़रूरी है। अफसर अकाउंट बनाने के बाद तवक्कल का अकाउंट बनेगा, तवक्कल के बाद सहती बनेगा। अगर आप कहीं मार्केट में जाते हो, आपको तवक्कल दिखाना है, तवक्कल नहीं दिखाते हो तो किसी मार्केट में आपको जाने नहीं देगा। अगर आप किसी दूसरे का आईडी में सिम चलाते हो, आपने सारे अकाउंट बना लिया हो, बना लेने के बाद उसका सिम बंद हो जाता है तो आपको बहुत ही परेशान होगा। आपको जुआजद में जाना पड़ेगा, जाके आप फिंगरप्रिंट देने के बाद ही आपका फ़ोन नंबर चेंज होगा, नहीं तो बहुत सारे जगह में अफसर का मशीन बैठा हुआ रहता है, उस मशीन में जाके आपको फिंगरप्रिंट देने के बाद ही आपका नंबर चेंज होगा। बैंक में अगर अकाउंट हो तो बैंक में जाके आपको करना पड़ेगा। अगर आपका आईडी में सिम ले लेते हो तो आप मोबाइल के जरिए वो नंबर चेंज करके अपना नंबर दे दीजिएगा, तो आप कलना में, अफसर में, बैंक में कर सकते हो। इसमें आपका फ़ायदा यही है, अगर आपका सिम बंद हो जाए तो आप किसी ऑफिस में जाके आपका सिम दोबारा निकाल सकते हो। दूसरा किसी के नाम पे सिम है, अगर बंद हो जाता है तो आपका आईडी में वो नंबर नहीं आएगा, तो आपका नंबर, आपका आईडी में सिम लेने से आपको यही फ़ायदा है। तो अभी बताते हैं कि आप फ़ोन में रिचार्ज कैसे करोगे। किसी भी कंपनी के आपका पास सिम हो, अगर आपका वाईफाई नहीं रहता है तो आपको इंटरनेट रिचार्ज करना है। अगर आप 30 GL का रिचार्ज करते हो तो आपको 1 GB इंटरनेट मिलेगा एक महीने के लिए। अगर आप घर में बात करते हो ईमो के जरिए या गूगल डियो के जरिए, तो आप इंटरनेट ऑन करके आप अपना बात कर सकते हो। अगर आपका घर में किसी सबके पास एंड्रॉयड सेट नहीं होता है तो उस टाइम आपको डॉलर कार्ड भरना पड़ेगा। किसी भी बकाला में जाइएगा, जाके बोलिएगा हमको डॉलर कार्ड दीजिए। डॉलर कार्ड 20 का भी आता है, 30 का भी आता है। 20 का जो डॉलर कार्ड है, 20 का डॉलर कार्ड में आपको 500 मिनट बात करने में मिलेगा। अगर आप 30 का लेते हो तो इंडिया में 1000 से 1200 मिनट बात करने को मिलेगा, तो 30 GL का लेने से आपको फ़ायदा है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आप जितना दिन चाहे, जितना महीना चाहे ये पैसा रख सकते हो, रख के बात कर सकते हो। बात करने के बाद आप इंटरनेट बंद कर दीजिए। अगर आपको डॉलर कार्ड भरना नहीं आता है, जहाँ से आप डॉलर कार्ड लेते हो उनको बोलिएगा मुझे डॉलर कार्ड भरना नहीं आता है, मेरा फ़ोन में डॉलर कार्ड भर के उसको एक्टिव कर दीजिए, तो वो बंदा आपको डॉलर कार्ड भर के आपका फ़ोन में एक्टिव कर देगा। उसके बाद आप डॉलर के जरिए बात कर सकते हो। आपका 1 GB अगर नहीं चलता है महीना में तो 65 रियल का रिचार्ज करवाइए। 65 रियल का रिचार्ज करवाने से आपको 10 GB इंटरनेट मिलेगा। सऊदी अरब में अगर रहते हो, आपको इंटरनेट भरना ज़रूरी है। इंटरनेट अगर नहीं भरते हो तो आप अपना मुल्क में बात नहीं कर सकते हो। नॉर्मल बात करने से बहुत पैसा खर्चा होता है, इंटरनेट के जरिए बात करते हो तो बहुत कम पैसा खर्चा होता है। अगर आपका कपिल के घर के आसपास में आपको रूम मिलता है, वाईफाई मिलता है, तो बढ़िया है, आपको नेट खर्चा इतना नहीं होगा। अगर उसका घर के आसपास आपको रूम नहीं देता है, वो दूसरे कहीं जगह पे आप रहते हो, तो आपका नेट खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ पे बहुत बंदा VPN के जरिए भी इंटरनेट चलाता है, 20 रियाल 30 रियाल देकर महीना भर VPN में इंटरनेट चलाता है। VPN में इंटरनेट आप चला सकते हो। VPN में आप इंटरनेट चलाते हो तो आपको 3 प्रॉब्लम होगा। 1 नंबर, आपका मोबाइल में चार्ज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 2 नंबर, आपका मोबाइल का जो डेटा है वो हैक हो सकता है। 3 नंबर है, तवक्कलना का एप्लीकेशन नहीं चलेगा।
अगर आप VPN ऑन करके रखते हो तो Tuakalna का एप्लीकेशन आपका मोबाइल में काम नहीं करेगा। अगर VPN चलाने के बाद VPN बंद कर देते हो तो आपका एप्लीकेशन काम करेगा। तो VPN के जरिए भी आप बात कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत बंदा बोलता है कि एयरपोर्ट से जाने का टाइम आपका फाइन लग सकता है, कुछ भी नहीं लगेगा, फाइन वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। VPN यूज करने से आपका ही दिक्कत होगा, आपका फोन में प्रॉब्लम होगा। VPN ऑन करके आप WhatsApp में बात भी कर सकते हो, जब बात हो जाए तो उस टाइम आप बंद कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको सऊदी अरब में मोबाइल में इंटरनेट चलाना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया है कि कैसे आपको सऊदी अरब में इंटरनेट चलाना है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते किसी अगला वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।